मोदी सरकार 3.0 शपथ लेने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार शपथ ग्रहण कई मायनों में खास होगा, क्योंकि इसमें न सिर्फ पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे, बल्कि समाज के हर वर्ग के महत्वपूर्ण लोगों को न्योता दिया गया है। राष्ट्रपति भवन का प्रांगण तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के शपथ की साक्षी बनेगा। इसके साथ ही मोदी पंडित नेहरू के लगातार 3 बार पीएम पद की शपथ लेने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। अब दुनिया भर से आए अतिथियों के स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया है। इस समारोह के लिए विदेशी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पूरी दुनिया में आज शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चर्चा हो रही है। इस बीच तमाम दिग्गज नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का गठन हो रहा है। इस तीसरे कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्णय होंगे और जो 10 वर्षों में देश का विकास, देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है उसको और तेज गति मिलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनके साथ सभी माननीय मंत्रीगण जिनकी आज शपथ हो रही है उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री पद की शपथ तीसरी बार लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हम सबका सौभाग्य है कि उनको तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनते हुए हम लोग साक्षी बन रहे हैं और यह अवसर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि से देश ही नहीं दुनिया वाकिफ है और उनका योग्य नेतृत्व इस बात के लिए पूरे देश को आश्वस्त करता है कि आने वाला कल भारत के लिए सुनहरा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का स्वेयरिंग सेरेमनी हमको भी निमंत्रण दिया है और कल अपना भी स्वेयरिंग इन है और सिक्किम में इस बार बहुत अच्छा अपना पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आउट ऑफ 32 वी गॉट 31 एंड विद द एमपी दैट इज अ पब्लिक मैंडेट। मैं इसके लिए मैं पूरा जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इज अ विनिंग ऑफ द पब्लिक बार मौका मिला है और पूरा एक भारत का इतिहास जो है ये रचने का काम उनके नेतृत्व में हो रहा है। भारत विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए जरूर हमारी कुछ सीटें कम आई होगी, लेकिन मैंडेट जो है मैंडेट नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का था और उनके मंत्रिमंडल में मुझे तीसरी बार उनको मौका मिल रहा है और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैं दलित समाज का हूँ और देश भर के दलितों को, गरीबों को और सर्व जाति धर्म के लोगों को न्याय देने का काम मैं करता रहूंगा और मोदी साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। विभाग के लिए भी कल आपने विभाग की कल आपने बात की, दो तीन विभागों का नाम बताया था कि दो तीन विभाग क्या है। ठीक है, जो भी देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास अनेक समस्या भी है, अनेक पार्टी के लोग उनके साथ अभी है, जो भी मुझे वोट वैल्यू देगी वो वोट वैल्यू निभाऊंगा और मैं अच्छा काम करता रहूंगा।